नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आपके लिए लेकर आए हम यूपी राउंडअप, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का सियासी हाल। साथ में बात होगी हर उस हलचल की जो आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई है। तो तेज रफ्तार से शुरू करते हैं यूपी राउंडअप। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों के दर्शन के लिए रामलला की दिव्य स्वरूप की तस्वीरें जारी की है, जिसमें रामलला अपने अनुज भाइयों के साथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले ट्रस्ट ने रामलला की भोग आरती का वीडियो जारी किया था। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को लेकर अयोध्या इस वक्त हाई अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान श्री गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति मनाई और देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जारी सियासत पर टिप्पणी करते हुए विपक्षी नेताओं को नसीहत दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन पीढ़ियों के संघर्ष के बाद आया है। इसे सियासी चश्मे से देखने और वोट बैंक तलाशने का अवसर बनाने की जरूरत नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। वहीं अखिलेश यादव को लेकर मायावती ने कहा है कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए मायावती बोली कि रोजगार देने की जगह मुफ्त राशन देकर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। यात्रा का आगाज 14 जनवरी से मणिपुर के इम्फॉल वेस्ट से हुआ था। न्याय यात्रा करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस का फोकस यूपी समेत कुल 15 राज्यों की लोकसभा सीटों पर रहने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या का रुख किया। दरअसल हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था और शंकराचार्यों के इस आयोजन में ना शामिल होने की खबरों को आधार बनाकर 22 जनवरी के मुहूर्त पर सवाल उठा दिए थे और इसे सियासत से प्रेरित कार्यक्रम बताया था। ऐसे में बीजेपी के चौतरफा हमलों के बीच यूपी कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या का रुख किया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में हर वर्ग को साधने की कोशिश में इसी कड़ी में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का स्लोगन ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है रखा गया है। इस अभियान के तहत लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जारी सियासत के बीच स्वामी आनंद स्वरूप ने विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जहां उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM चीफ का नाता धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया। तो वहीं उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद की तुलना जानवर से कर डाली है। आपको बता दें कि स्वामी आनंद स्वरूप शंकराचार्य परिषद एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष और काली सेना के संस्थापक हैं। SC के आदेश पर बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को बड़ी राहत मिली है। उनकी संसद सदस्यता सशर्त बहाल हो गई है, वो अब चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो गए हैं। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान सामने आया है। 2019 के बाद एक दिन भी सरकार ने चैन की रोटी खाने नहीं दी। अफजाल ने कहा है कि जनता का अभूतपूर्व समर्थन और ऊपर वाले की कृपा है कि मैं जीवित हूं। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो हतोत्साहित होकर प्राण त्याग देता। मुजफ्फरनगर में छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान हालत इस कदर बिगड़ गए कि छात्रों के बीच ईंट पत्थर के साथ साथ गोलियां तक चल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस घटना में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। कानपुर में एक छात्र ने रिहायशी इलाकों में हवाई हमले का इनपुट देकर हड़कंप मचा दिया। दरअसल छात्र ने इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर केयर पर कॉल किया और बताया कि उसके पास जानकारी है कि रिहायशी इलाके में 40 विमान गिराए जाएंगे, जिसके बाद IB से लेकर DGP तक अलर्ट मोड पर आ गए और फिर जांच की गई तो पता चला कि छात्र की शरारत थी। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में करनी सेना के जिला अध्यक्ष पर
गोकशी के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए करनी सेना के महानगर अध्यक्ष 3 कथित गोरक्षकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गोवंश से जुड़े अवशेष भी मिले हैं। आरोप है कि आरोपी गोवंश के अवशेषों के आधार पर लोगों को फंसा कर रंगदारी वसूलने की साजिश रच रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी दुनिया में राम भक्त उत्साहित है। इस बीच एमपी के धमोम निवासी बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने अनोखा संकल्प लिया है, जिसको पूरा करने के लिए वो अपनी चोटी से बांधकर राम रथ को अयोध्या लेकर जा रहे हैं। इस दौरान वो करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। बद्री प्रसाद ने 1992 में ये प्रण लिया था कि जब रामलला भव्य राम मंदिर स्थापित होगी तब वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से मात दी। इस बीच मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो अक्षर पटेल और शिवम दुबे रहे। मैन ऑफ द मैच चुने गए अक्षर पटेल ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए, जबकि शिवम दुबे ने 63 रन की पारी खेली और 1 विकेट भी लिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार ये 10वीं द्विपक्षीय T20 सीरीज जीती है। रोहित बतौर कप्तान ये कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे कप्तान बन गए हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया है। लखनऊ में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया है। लंबे वक्त से उनका लखनऊ में इलाज चल रहा था। मुनव्वर राना गले के कैंसर से पीड़ित थे। रविवार रात को मुनव्वर राना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुनव्वर राना को साहित्य क्षेत्र के कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आपने तेज रफ्तार से देखा यूपी राउंड अप। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।